जो लाइव विजडम है उसकी ज़रूरत है और उसी से भय निकलते हैं। अब जैसे कि सपने देखने चाहिए इंसान को संसार में, लेकिन थोड़ा प्लेफुल भी होना चाहिए। अगर कोई प्लेफुल होगा तो भय कभी आएगा नहीं। सपना पूरा हुआ तो ठीक, नहीं पूरा हुआ तो नहीं हुआ, नहीं होते हैं। जिन्होंने कर लिए थे वो कहाँ हैं अब? जीवन को थोड़ा हल्के में, टेक इट इजी, वन फार्मूला, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। जीवन को बहुत गंभीरता से ना लें, अपने काम करें। आपकी इच्छा है आप करिए, लेकिन हर आदमी यहाँ एवरेस्ट पे झंडा गाड़ने में लगा है और जगह नहीं होती है तो गाड़ने वाला पहले वाले का उखाड़ के फेंकता है, तब अपना गाड़ता है। जगह नहीं है तो क्या करें? फिर पहले वाले कहाँ जाते हैं पता भी नहीं रहता। एक आध जनरेशन पहले के जो महारथी थे वो कहाँ हैं, तुम उनको याद भी नहीं कर पाओगे। तो हर जनरेशन में हमको लगता है कि हम बहुत कुछ बड़ा काम कर डाले। सबसे बड़ा काम है पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस इन द मोमेंट। इस क्षण हमारे जिंदगी में पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस है कि नहीं है? चाहे वो सफलता से आए, चाहे असफलता से आए, कभी कभी असफलता से भी आती है। दूसरों कहेंगे कि नहीं, कई बार तुम असफल होकर बड़ा सुकून महसूस करते हो, चलो झंझट खत्म हुई, क्योंकि तुम उधर जाना नहीं चाहते थे। तुम्हारा घर परिवार समाज तुमको उस तरफ धक्के दे रहा था, तुम फाइनली असफल हुए, तुम्हारा वो चैप्टर बंद हुआ। और जो तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश है, जिसमें तुम अच्छा अनुभव करते हो, अगर वो हो गया तो बहुत अच्छा है। हर चीज को करते समय प्रायोरिटी बस यही होनी चाहिए कि उससे तुम्हारी डेली लिविंग में पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस आएगी या नहीं आएगी। जब ये सोच लोगे तो कोई फियर नहीं होगा। छोटी छोटी बातें बड़ी आकर्षक लगेंगी। जो होना है वो होगा, जो तुम कर पाओगे वो करोगे। तुम्हारी इस समय जो कंडीशनिंग है, जो तुम्हारी बॉडी माइंड की कैपेसिटी है, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, जो तुम्हारी सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन है, तुम वही कर पाओगे इस मोमेंट में। तो इस मोमेंट पे उतना ही करो जो तुमसे संभव है पूरी तरह। भय भय क्यों होगा? भय होगा ही नहीं। भय तो तब होता है जब हमको लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए और हम कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं होती। हर आदमी उस समय वही करता है जो उससे संभव होता है, ये उसको यकीन करना चाहिए कि वो संभव है, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको टोटेलिटी से कर पाए, ठीक है? और तुम अपने लिए तय करो कि तुम्हारी पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस क्या है। दूसरे तय करेंगे तब फिर तो कभी बात ही नहीं बनेगी। तुम तय करो, तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम बहुत बड़ी जॉब करके खुश हो, सकता है तुम छोटी जॉब करके खुश हो, कौन जानता है। अब तुम्हारी एज में तुम्हारे माँ बाप शादी करने निकले तो वो अपने हिसाब से ढूंढेंगे लड़का, लेकिन तुम किसके साथ होकर खुश होगे ये तुम्हारा अपना चुनाव होगा। हो सकता है वो ऐसे ही हो, लेकिन तुम अगर अपने अंदर सेटल्ड हो, खुश हो, तो तुमने ठीक चुनाव कर लिया, तो तुम्हारा चुनाव दूसरा थोड़े कर पाएगा। तो इसलिए कोई डर ही नहीं है। क्या डर है? तुम्हारी सफलता असफलता, तुम्हारी च्वाइसेस, सब तुम्हारी अपनी है, अपने हिसाब से उनको तय करो।